आप सबका स्वागत है। आज हम 28 फरवरी की शुरुआत वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। महीना भी अंत में आ चुका है और हमारे वरदान भी बहुत ही रोमांचक हो रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। तो आज परमात्मा कहते हैं कि हम किस तरीके से अपने जितने भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कैसे करें, और ये इच्छाएं हमारी लौकिक इच्छाएं भी हो सकती हैं और हमारी अलौकिक, अलौकिक मतलब स्पिरिचुअल इच्छाएं भी हो सकती हैं। अगर आप एक सेंटर रन कर रहे हैं या आप सेवा कर रहे हैं तो आप उन आत्माओं को भी आप रूहानियत से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। एक हो गया जिस्मानियत की पैसा फेंका काम करवा लिया जो आज दुनिया में चलता है, एंड फिर दूसरा क्या हो गया, आपने अपनी कहीं चेयर या कोई कुर्सी पोजीशन की ताकत यूज करके अपना काम करवा लिया। परमात्मा कहते हैं वो लंबा समय तक नहीं जाता है वो काम। तो कौन सा काम सबसे अच्छा होता है, किस तरीके से करने वाला, जो कि आपके सच्चे दिल से हो और रूहानी से हो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं रूहानी आकर्षण द्वारा, कौन सा आकर्षण, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले। जो भी आप सेवा कर रहे हैं और सेवा केंद्र, आपका घर भी सेवा केंद्र है। ये ना सोचिए कि कोई ब्रह्मा कुमारी सेंटर ही सेवा केंद्र है। आप अपने घर में जो व्यवहार करते हैं उसके अनुसार आपका घर गृहस्थ आश्रम जैसा होता है, नहीं तो फिर वहां पर दंगे फसाद होते हैं। होते नहीं होते हैं, घर में भी दंगे फसाद होते हैं। तो या तो आपका घर गृहस्थ आश्रम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं उसको। परमात्मा से जुड़े हुए हैं और रूहानियत में हैं और परमात्मा के रूहानी गुणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका घर भी आश्रम जैसा बन जाएगा जहां पे सबको आश्रय मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। तो परमात्मा कहते हैं जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहते हैं, योगी मतलब मैं आत्मा और मैं परमात्मा का बच्चा हूं, या आप मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, जो भी आप संबंध बनाना चाहें, रूहानियत में रहती है, उनकी रूहानी आकर्षण, उनका जो रूहानी आकर्षण होता है स्पिरिचुअल आकर्षण, वो अपने जिस्मानियत से आकर्षण नहीं करते, वो अपने कपड़े वपड़े से आकर्षण नहीं करते, अपने लुक से आकर्षण नहीं करते, धन दौलत से आकर्षण नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। आपका घर भी सेवा केंद्र है, आपके सेवा केंद्र में भी आपकी जान पहचान की आत्माओं की आने की इच्छा होगी। फिर योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। जिज्ञासु मतलब कि जो आकर के इस ज्ञान को लेते हैं, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, अट्रैक्शन पावर है, मैग्नेटिक पावर है जो कि परमात्मा के अंदर है, वो हमारे अंदर भी अगर आती है परमात्मा जैसी ताकत, तो हम भी आत्मा को ऑटोमेटिकली आकर्षित करते हैं। हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, ज्यादा और लोगों को मैनिपुलेट करके बुलाना नहीं पड़ता है। परमात्मा कहते हैं कि आपके तरीकों से, तौर तरीकों से, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने के तरीके से ही लोग आपके स्वभाव से ही लोग आकर्षित होते हैं आपके स्पिरिचुअल पावर से। फिर परमात्मा कहते हैं इसके लिए क्या करना है, मन सदा हल्का रहे और रखो उसको। क्यों? क्योंकि अगर मन में क्वेश्चन होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कैसे होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, पता नहीं मेरे परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, ये डाउट रखना ही भारीपन है। आप अपने बहुत भारी आप संकल्प कर रहे हैं जो कि आपको ही ले डूबेगा। भारी चीज हमेशा समुद्र में डूब जाती है, तो आप भी गम में डूब जाते हो अगर आप भारी संकल्प करते हो। हर चीज बाबा पे छोड़ो, अपने आप को रूहानियत में रखो। फिर परमात्मा कहते हैं इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। और बोझ कब बढ़ता है हमारा, जब हम जिस्मानियत की बातें करते हैं। जिस्मानियत की बातें, जैसे कल बात करी कि हम आदान प्रदान करते हैं कि मैं कैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, हमने ये किया, उसने वो किया। जब हम अपनी ही महिमा में लगे पड़े रहते हैं और औरों को हम दिखाते हैं कि हम उनसे ऊंचे हैं, तो वो आगे जिस्मानियत की बातें जो कि हमें भारी कर देती है और रूहानियत खत्म हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसको बोझ मत बनाओ ऐसे करके। दिल साफ मुराद हासिल करते रहो। दिल अगर साफ है, किसी के प्रति आपका कोई गलत भावना नहीं है, किसी से आपको कुछ लेने की इच्छा नहीं है, नहीं तो ऐसे हो सकता ना कि आप धन इकट्ठा करने के लिए लोगों को अपने पास बुला रहे हो, अपने सेंटर में भी बुला रहे हो कि भैया धन कम हो गया, चलो लोगों को बुलाते हैं, कुछ पिकनिक रखते हैं, पार्टी रखते हैं, कुछ अच्छा रखते हैं ऐसे, ताकि लोग आए और चंदा इकट्ठा हो। परमात्मा कहते हैं वैसे नहीं, लोग अपने आप से आकर्षित होकर आना चाहिए आपके पास। फिर परमात्मा कहते हैं तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी। लोगों को रूहानियत खींचे, जिस्मानियत ना खींचे। हाँ, वो सारी चीजें करते हैं, पार्टी वार्टी पिकनिक भी करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी रूहानियत खींचे। अधिकार ही आप लोगों का है। कौन सा अधिकार है ये? ये हमारा अधिकार है कि हम परमात्मा की रूहानियत से जो भी चाहे अपने जीवन में आकर्षित कर लें। कि आप करना चाहेंगे सब कुछ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए जैसे कि हमने कल बात करी थी, संतुष्टता तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ऑनेस्टी है और साथ ही साथ हमारे अंदर सफाई है। तो ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं आपके जीवन में जब आपके अंदर बाहर सफाई हो। इस चीज को आप सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ओम शांति इसके साथ।